तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ सबका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप सब लोग को बहुत ही बढ़िया आइडिया बताने वाला हूँ जो कि आप सब लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड, वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो तो सबसे पहले पहुँचती रहे। और फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो फिर चलिए फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हैं आप, मैंने एक 12 वोल्ट का मोटर ले लिया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। और देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये पावर सप्लाई है 12 वोल्ट का, जो कि मैंने ही बनाया है खुद से। और इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो देखने के बाद जाकर आप इसका वाला वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। तो प्लीज़ जाकर देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो चीज़ लिए। तो फ्रेंड, इन दोनों चीज़ों के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से आप एक छोटी सी चीज़ से जो ये मोटर का स्पीड होता है इसे कम कर सकते हो, फिर कोई भी चीज़ है उसका स्पीड आप कम कर सकते हो, उसका जो करंट होता है उसको कम कर सकते हो। तो चलिए फिर फटाफट वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप, मैंने एक इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लिया जिसमें कि 220 वोल्ट आ रहा है। तो इसको हम जो है अडैप्टर का देख सकते हैं, यहाँ पर जो वायर निकला है एसी वाला वायर, इसको बोर्ड के अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद अब मैं जो आपका मोटर का स्पीड है उसको मैं दिखाता हूँ, कितने स्पीड में जो है मोटर रन कर रहा है। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, देख सकते हैं थोड़ा इसका वॉइस सुनिए फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह सुनाई दे रहा होगा। इसका स्पीड काफी ज्यादा यहाँ पर है, तो मैं आपको इसका स्पीड जो है स्लो करके दिखाने वाला हूँ, बिना किसी मॉड्यूल और बिना किसी रेजिस्टेंस या फिर बिना किसी ट्रांजिस्टर के। तो फ्रेंड्स, चलिए देखिए मैं किस प्रकार इसका स्पीड आपको स्लो करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो फिर बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको जरूर पसंद आएगा, वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास है ये वायर, आपको शायद पता होगा कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये नाइक्रोम वायर है जो कि मैंने इसे सोल्डिंग आयरन के एलिमेंट में से निकाला है, जो कि आपको सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट होता है, 10 रुपये में अच्छे तरीके से आप परचेस कर देते हो इलेक्ट्रिक शॉप की दुकान से। तो फ्रेंड्स, इसी का मैं यूज कर आप सब लोग को इस मोटर का जो स्पीड है उस स्लो करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, जिस प्रकार से मैं मोटर का स्पीड स्लो करने वाला हूँ, उस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को इसे स्लो करके चला सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर फटाफट से मैं इसको आपको चला कर दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर जो देख सकते हैं ये नाइक्रोमाइ का जो वायर है, इसको इस रेड वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरा वाला वायर है इधर मोटर का, हम इस नाइक्रोमो वायर के यहाँ देख सकते हैं, नाइक्रोमो वायर ही है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देख सकते हैं नाइक्रोमो वायर है, इसको मैं जितना दूर टच करूँगा उतना ही स्लो जो हमारा है मोटर वो चलेगा, आपको शायद अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो फिर देखिए, मैं जितना पास लगा रहा हूँ उतना तेज मोटर घूम रहा है, जितना दूर लगा रहा हूँ उतना स्लो मोटर घूम रहा है। अब जितना दूर जितना इसका लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतना ही स्लो जो है आपको मोटर रन करने वाला है यहाँ पर। अब देख सकते हैं बहुत ही स्लो यहाँ पर चलने लगा। तो फिर इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी मतलब प्रोजेक्ट को, आप किसी भी कंपोनेंट को आप अच्छे तरीके से स्लो करके चला सकते हो। तो फ्रेंड, चलिए मैं अभी आपको कुछ और चीज़ें चला कर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से मालूम पड़ जाए। तो अभी मैं इसे आपको एक बल्ब ग्लो करके दिखाता हूँ कि जो बल्ब है वो तेज ग्लो होता है और जो उसमें स्लो होता है, सब आपको दिखाने सब कुछ दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, जिससे आकर वो अच्छे तरीके से पता चल जाए। तो चलिए फिर फटाफट से मैं आपको सब दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास एक बल्ब है जो कि बाइक के इंडिकेटर में लगा होता है। तो इस बल्ब को मैं आपको जला कर दिखाता हूँ पहले डायरेक्टली कितना ज़्यादा इसका है ग्लो हमें दिखाई देता है। तो मैं आपको अभी इसको डायरेक्टली जाकर दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नाइक्रोम लगाया है, बट उससे मैं नहीं जला रहा हूँ यहाँ पर। देख सकते हैं अभी कितना तेज इसका जो है ग्लो है यहाँ पर। तो अभी जो है मैं आपको नाइक्रोम से जला कर दिखाता हूँ इसका जो ग्लो है कितना ज़्यादा कम हो जाता है यहाँ पर। तो इससे पहले फ्रेंड्स, इस नाइक्रोम वायर इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर ले रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा है, कट कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ मैंने नाइक्रोम वायर को कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं आपको जो एलईडी का ग्लो दिखाता हूँ कितना ज़्यादा कहाँ यहाँ पर हो जाता है। तो अब जितना दूर तक नाइक्रोम मतलब जितना लेंथ में आप नाइक्रोम वायर रखोगे उतना ही स्लो आपको इधर से करंट मिलने वाला है। तो अभी मैं इसको जलाता हूँ,
देखते फ्रेंड्स कितना स्लो यहाँ पर चल रहा है, आपको अच्छे तरीके से साथ में दिखा देता हूँ। देखते हैं कितना ही स्लो यहाँ पर ये ग्लो कर रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो नाइक्रोम आ रहे हैं, अब मैं इसको जितना पास में लाऊंगा उतना तेज़ी ग्लो करने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसका ग्लो है जो बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है ग्लो, देख सकते हैं। तो फिर इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को अच्छे तरीके से स्लो कर सकते हो नाइक्रोम वायर की मदद से। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हमारा वोल्टेज है वो कैसे स्लो हो जाता है। तो फिर सिंपली मैं बताना चाहता हूँ कि इधर के साइड से हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, और इसके अंदर जो फिलामेंट लगा रहता है एडी के, इसके इसके अंदर से होते हुए इस साइड आता है, इस साइड होते हुए हमारा नाइक्रोम वायर के अंदर आता है, जो कि नाइक्रोम वायर में हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस होने के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक होता है वो लॉस होता है, इसके वजह से जो वोल्टेज है थोड़ा स्लो हो जाता है। तो फिर इसमें एक हमें घाटा होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक है बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपरली जो हमारा बैकअप नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल बने हुए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें भी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।